अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, किसान लिंक में खुश आमदीद। किसान लिंक के प्लेटफार्म से आज मोहम्मद फैसल शरीफ तहसील 18,000 के थालक एरिया को विज़िट कर रहा हूँ। ये थालक का एरिया तहसील 18,000 से 10-15 किलोमीटर के फासले पर, अगर 18,000 से हम मूव करें बखर रोड पर 10-15 किलोमीटर ट्रैवलिंग करें तो जो थालक एरिया शुरू हो जाता है, और या खिशाब रोड पर 10 से 15 किलोमीटर मूव करें तो वहाँ पर भी ये डेजर्ट एरिया शुरू हो जाता है, जो थालक एरिया से पहचाना जाता है। यहाँ की जो मेजर क्रॉप है वो ग्रैम है। ग्रैम यहाँ पर जो हारवेस्ट हो चुकी है, बिल्कुल 100% हारवेस्टिंग हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारी पॉपुलेशन मौजूद है टिड्डी दल की। टिड्डी दल की आप देख सकते हैं कि ये शदीद किस्म का पॉपुलेशन यहाँ पे मौजूद है। ये वो पॉपुलेशन है जहाँ पर फरवरी और मार्च के महीने में जो टिड्डी दल ने ग्रैम की फसल पे बड़ा शदीद अटैक किया था। शदीद अटैक होने के बाद यहाँ पर उसने स्टे भी किया था, जहरी बात स्टे हो गया तो इसने एगले किए होंगे। एगले की हैचिंग के बाद अब इसकी सैकड़ जनरेशन यहाँ पर डेवलप हो चुकी है और बड़ी तादाद में मौजूद है। अब ये जो है अपने लोकस, ये नियर टू अडल्ट हैं, या अब ये अडल्ट हो जाएंगे, अडल्ट बन जाएंगे। अडल्ट बनने के बाद ये माइग्रेटरी इंसेक्ट हैं, ये मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। जब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे झुंड की शक्ल अख्तियार करके, तो फिर ये सबसे ज़्यादा इसको ख़तरा उस एरिए को है जो तहसील 18,000 के बिल्कुल एडजेसेंट एरियाज हैं। तो इसलिए किसान लिंक प्लेटफार्म से अपने किसान भाइयों को बर वक्त मुतला किया जा रहा है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेवलप हो चुकी है लोकस्ट की, उससे बचने के लिए ख़ासतौर पर एडजस्ट एरिया के लोग ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, क्यों एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि अपनी उनकी मेजर क्रॉप्स बचा जा सकते हैं। यहाँ पे जो थालक एरिया में ग्रैम की फसल अब हारवेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि इसने सर्वाइवल के लिए, टिड्डी दल ने अपनी सर्वाइवल के लिए अल्टरनेटिव होस्ट पे हमला करना है। तो लिहाजा ज़िम्मेदारों की जो दूसरी फसलें वहाँ पर शदीद किस्म का हमला हो सकता है। इसलिए किसान लिंक का प्लेटफार्म से लोगों को, अपने किसान भाइयों को बर वक्त मुतला किया जा रहा है कि इस पॉपुलेशन से बचने के लिए, इस लोकस्ट के अटैक से बचने के लिए बर वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ ताकि बर वक्त इसके हमले से बचा जा सके। और कम अज़ कम इसको ना, अगर झुंड की शक्ल अख्तियार करता है तो इसको अपनी ज़मीन पर स्टे ना करने दिया जाए ताकि ये एग ले ना करे। एग ले हो गया तो फिर नेक्स्ट ईयर इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो किसान लिंक्स हमेशा ही अपने किसान भाइयों के लिए, हमेशा जो भी आफात हों या कोई इंसेक्ट पेस्ट का प्रॉब्लम हो, जिसको ख़तरात हों, उसके बारे में आगाहे बगाहे मुतला करता रहता है। लिहाजा ये किसान लिंक का प्लेटफॉर्म फिर लोगों को मुतला कर रहा है, खासतौर अपने ज़िम्मेदार भाइयों को मुतला कर रहा है कि टिड्डी दल के हमले से बचने के लिए खास ख़ास ख्याल करें, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। थैंक यू सो मच।